नमस्कार। तो दोस्तों, आप लोगों को सेट पर से एक बड़ी अपडेट बताना चाहता हूं। फूट फूट कर रो पड़ा मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी जिसे जनता का भौंकाल सपोर्ट मिल रहा है, जिसे एकता कपूर जी ने बोल दिया कि ये मेरी टॉप फाइव में पांचवी पोजीशन पर है। मुझे बहुत अच्छा लगता था, इनिशियली ये आता था, खेलता था, लेकिन अब ये न जाने क्या कर रहा है, समझ में नहीं आता। लेकिन मुनव्वर फारूकी के आंसू क्यों निकले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे गुप्तचरों ने कुछ जरूरी बातें बताई है। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टैली खजाना में। मैं यारों का यार होस्ट राहुल बोस। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, मुनव्वर फारूकी ने अपना डीप डार्क सीक्रेट बता दिया है। जी हाँ, और इसी सीक्रेट को बताते वक्त मुनव्वर इतना इमोशनल हो गया कि वो फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि एकता मैम भी आई थी और एकता मैम ने अपने टॉप फाइव बोला। नंबर वन पे पायल को रखा, नंबर टू पे आजमा को रखा, नंबर तीन पे उन्होंने जो है अंजलि को रखा, नंबर फोर्थ पे जीशान को रखा, नंबर फिफ्थ पे दो लोगों को पूनम और मुनव्वर को रखा। एंड आई वॉज वॉन्डरिंग कि यार मुनव्वर को टॉप फाइव में नहीं, मतलब कि फिफ्थ पोजिशन पे, फर्स्ट सेकंड में भी नहीं। एंड आई वाज अमेज्ड। और मुझे एक्चुअल में ऐसा लग ही रहा था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि पायल एक्चुअल में बैडएस गेम खेल रही है और इसी वजह से वो हाईलाइट भी हो रही है। खैर छोड़िए वो सब बातें, लेकिन यहां पर फोकस करते हैं कि क्यों रोया अपना मुन्ना। मुन्ना इसलिए रोया दोस्तों क्योंकि उसने अपनी माता जी के बारे में, आंटी जी का देहांत हो चुका है दोस्तों, और आंटी जी के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताई कि कैसे सीक्रेट है, हाँ ये बाय द वे, कि कैसे उन्होंने एसिड पी लिया था। जी हाँ दोस्तों, मुनव्वर ने ये डीप डार्क सीक्रेट बताया है और इसी के चलते मुनव्वर रो पड़ा है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुनव्वर की आंखों से आंसू आ गए थे। लिटरली ही वॉज क्राइंग, ही वॉज शैटर्ड एट द टाइम। मेरे गुप्तचरों ने मुझे ये तक बताया कि बात केवी से, वो बात करते करते भी जो है उनके आंसू आ गए थे इस बात को याद करते वक्त, और वो कंटिन्यूसली रो भी रहे थे। स्टे स्ट्रांग मुनव्वर, जब आप बाहर आओगे आपको पता चलेगा कि ऑडियंस दीवानी है आपके पीछे और आपकी स्ट्रैटेजीज को वो अच्छा मानती हैं। एंड दे डेफिनेटली, एंड यू डेफिनेटली गोना लाइक इट। दोस्तों, आपको क्या है कहना, स्टे स्ट्रांग मुनव्वर, एक हैशटैग मैं सोच रहा हूं इस पे चलाऊं, तो आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। चलता हूं।